अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन। इसके लिए हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं, 3 प्याज लिए बारीक काट के रखिए, कुछ मसाले लिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर, तिल्ली लिए, इसको थोड़ा सेक के रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, खटाई है, आप खटाई की जगह इमली भी यूज कर सकते हैं, तेल है और नमक है। अब हम सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरीके से धो के रखा है, इसको ऐसे काट लेंगे। इस तरीके से हम सारे बैंगन को कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे बैंगन काट के रखेंगे। तरीके से हम सारे बैंगन भर लेंगे। अब हम बैंगन बनाएंगे। अब इसके लिए एक कुकर रखा है, उसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे थोड़ा सा और कड़ी पत्ता। हल्के हल्के आग से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये जार के अंदर डाला है। पानी ज्यादा नहीं डालना है, एक आधा कप जितना डालना है। हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 2 सीटी आने तक पकाएंगे, फिर गैस बंद करके आपसे मिलते हैं। 2 सीटी के बाद हमने गैस बंद कर दी थी, कुकर ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं बैंगन तैयार है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया हमने काट के धो के रखा था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लजीज बनके तैयार हुआ है। आप लोग जरूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज। Oh,